नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा डीके के कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो हम एक एक पेपर को उठाएंगे, उसमें जो हरियाणा डीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर हरियाणा जीके से ना कटे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आपके पास जितने भी ग्रुप है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से शेयर कर दीजिए प्लीज़ इस क्लास को ताकि हम जल्दी से इस क्लास को शुरू करें। प्लीज़ सभी शेयर करें इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव हो जाएं। आपके पास जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक सब पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम जितने भी HSSC के 2015 से 2020 तक एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपका HSSC में हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक क्लास अलग से डाल दी जाएगी। जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका वेटेज लगभग जो 23 क्वेश्चन 24-25 या 20 से 25 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करें ताकि जल्दी ही आपकी क्लास शुरू की जा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ेंगे उतनी ही लंबी ये क्लास चलेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। हम सबसे पहले आसान क्वेश्चनों से प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। ये शायद आप यदि आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम सभी को पता होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई है वो 1556 में और तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है धरती खालिस्तान थी, तो धरती क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं पहली हिंदी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म या पहली भोजपुरी फिल्म।
तो धरती क्या थी? पहली हरियाणवी फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे? ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबार में आस्थान कवि थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आते रहे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लोकसभा की जो सीट है वो 10 है, विधानसभा की 90 है और राज्यसभा की है वो 5 सीटें हैं। ये भी आप सभी को शायद पता होगा। बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का नया नाम क्या है? तो गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई किसने की थी? तो वो किसने की थी? अनीता कुंडू ने की थी। नेक्स्ट है, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित खालिस्तान है? तो दयाचंद मायना है वो कवि और लोक कलाकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? तो जो हरियाणा का कालिदास कहलाता है वो है दीपचंद बहमन। नेक्स्ट है, हरियाणा में इनमें से किसी फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में खेतीबाड़ी की जाती है वो की जाती है गेहूं की। इसमें चावल, दालें, ज्वार और गेहूं दे रखा है, जिसमें से सही ऑप्शन गेहूं होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु खालिस्तान है? तो हरियाणा का राज्य पशु है वो कृष्ण मृग है। प्रश्न नंबर 54 है, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? कहाँ से उद्गम होता है मार्कंडा नदी का? तो वो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो हरियाणा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुल्तानपुर। इसमें से जो दे रखे हैं वो सुल्तानपुर है। दूसरा, यदि आपको इसमें जैसे जिम कॉर्बेट, सतपुरा और सुंदरबन और सुल्तानपुर दिया हुआ है तो इसमें से हरियाणा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुल्तानपुर होगा। इसके अलावा यदि आपको कलेसर दिया हो तो वो भी हरियाणा का ही राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? तो वो माना जाता है करनाल को। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो वह है रोहतक में। हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है करनाल ने। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है? तो द्वितीय नंबर पे कौन सा राज्य है जो पंचायत चुनाव के लिए लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा का एक फिक्स करने वाला जो राज्य है वो है, पहला राजस्थान है और दूसरा है वो हरियाणा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है, तो हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला पंचकूला है। कई बार आपको ऑप्शन में पंचकूला की जगह कोई और ज़िला भी दिया हो सकता है, तो आपको उसमें से चूज़ करना है कि इसमें कौन सा ज़िला सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कार रैली खालिस्तान की रैली है, तो सोना कार रैली है वो पुरानी कारों की रैली है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है, तो वो किया जाता है सूरज कुंड। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है गीता जयंती समारोह। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, तो जो हरियाणा की नृत्य विधाएं हैं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें भंगड़ा है वो पंजाब की है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही हो जाएगा, हरियाणा की भंगड़ा नहीं है। इसके अलावा फाग धमाल और स्वांग है वो हरियाणा की नृत्य विधाएँ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, खालिस्तान असीमित शरीर वाले पशु का उदाहरण है, तो ये साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा स्पंज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन। अब हमने जो प्रैक्टिस सेट उठा रहे हैं, जो पेपर हुआ था डिप्टी रेंजर का फॉरेस्टर डिपार्टमेंट हरियाणा आफ्टरनून सेशन का है, एडवर्टाइज नंबर 12/2015 कैटेगरी नंबर 11 का। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हरियाणा जीके का, क्वेश्चन नंबर 41 है, 1526 में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। एक बात आपको बता देता हूँ कि जितने भी आप पेपर उठाओगे मैक्सिमम आपको 99% आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पेपर मिलेंगे जिसमें आपको हरियाणा जीके में पानीपत की लड़ाई के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा हुआ मिलेगा। तो जो पानीपत की लड़ाई है उसको डिटेल में अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो इसमें जो 1526 में पूछा गया, तो 1526 में हमें पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें दूसरी और तीसरी लड़ाई का भी जिक्र आएगा यदि हम देखेंगे, तो वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा की राजधानी खालिस्तान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चंडीगढ़। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे, तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें बच्चे एकदम से जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसको सही से ध्यान रखें, 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था, तो यह खोला गया था करनाल में। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था, तो यह था थानेसर। नेक्स्ट है, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था, तो यह निभाया था आमिर खान ने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और इस क्लास को हम और ज़्यादा समय के लिए चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यह भी आप देख रहे हैं हर एक पेपर में लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए आपको मिलेंगे, तो ये होगी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई, ये सारी काव्यात्मक कृतियां हैं वो किसने लिखी है? तो यह लिखी है तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। आपको नेक्स्ट पेपर में इनमें से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है। भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद और मीरा, मतवाली और सतसई, इनमें से कोई एक दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो यह है गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इनमें से जिसने 400 विकेट लिए और 5000 रन बनाए हैं? तो वो है कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो सरसों की जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो होती है भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में खालिस्तान में स्थित है, तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो वह है फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है, यह क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसमें कप्तान सिंह सोलंकी दिया हुआ है, लेकिन जो वर्तमान में अभी अगर करंट में बात करें तो वह है सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है? तो जो इंडियन नेशनल लोक दल का नेता है वो है ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट है, 58 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो सरकारी भाषा है वो हिंदी है। यह क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर हरियाणवी करते हैं। ये ध्यान रखें, जो हरियाणा की सरकारी भाषा है वो हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? तो जो हरियाणा में बहती है वो नदी कौन सी है? घग्गर, यमुना और इंदौरी, ये तीनों नदियाँ हरियाणा में बहती है, लेकिन गोमती नदी है वो हरियाणा में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आप वन्य जीव अभयारण्य है जो, उनमें यदि आपको वास लगा हुआ मिले तो वो झज्जर जिले में ही स्थित है। तो वो दोनों कौन से हैं? भिंडावास और खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास है, वो दोनों वन्य जीव अभयारण्य है, वो झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा को 22वां जिला घोषित किया गया था। हरियाणा का 22वां जिला किसको घोषित किया गया था? वह किया गया था चरखी दादरी को। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो जो सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है वो है रोहतक। यदि हम बात करें हरियाणा में रेडियो स्टेशन की, तो वो है कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र है, हिसार है और रोहतक है। यदि हम सबसे पुराने की बात करें तो वह है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी, तो वह थी धरती। धरती है वो हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जाने वाला है, तो इसको भी जरूर याद करें। नेक्स्ट है, वैसाखी त्यौहार खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। तो जो वैसाखी त्यौहार है वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लूर नृत्य खालिस्तान त्यौहार में से किया जाता है। तो किस त्यौहार पे लूर नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है होली के दिन। क्वेश्चन नंबर 66 है, खालिस्तान पशु उत्तक तंत्र की एक भाग नहीं है। तो वह है सवनीय साइंस का क्वेश्चन था। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट पेपर में हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम है, एडवर्टाइज नंबर 12/2015, कैटेगरी नंबर 11, डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, इवनिंग सेशन का जो पेपर है उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें पहला प्रश्न है वो क्या है, 2015 के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसने जीता था? तो 2015 में जो जीता था वह था श्री रघुवीर चौधरी जी ने जीता था। नेक्स्ट है, यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभा की विधानसभा खालिस्तान सदन सदनों की विधानसभा है। तो जो एक सभा की विधानसभा है वो एक सदन की ही विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत खालिस्तान सबसे स्वच्छ भारतीय नगर है। तो भारत की हम बात करें तो सर्वोच्च सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत इंदौर है वो सबसे स्वच्छ नगर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य विधा है? तो वह है केरल की। ये जो इंडिया जी के है बीच में क्वेश्चन वो भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। मोहिनीअट्टम है वो केरल राज्य की नृत्य विधा है। नेक्स्ट, पानीपत की लड़ाई के बारे में क्वेश्चन फिर से आ गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो वह लड़ी गई थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वह है काला तीतर, लेकिन किसी किसी पेपर में आपको दिखा हुआ मिलेगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। हिंदी में भी आपको यही लिखा मिलेगा ब्लैक फ्रैंकोलिन, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर सबको याद होता है, लेकिन ब्लैक फ्रैंकोलिन है उसमें सभी उलझ जाते हैं। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे ही बच्चों के जो क्वेश्चन थे वो गलत हुए थे, उसमें काला तीतर दिया नहीं था, सिर्फ ब्लैक फ्रैंकोलिन ही दिया था। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो वह दिया था कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजा पुलकेसिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो खालिस्तान राजवंश से था। तो वो किस राजवंश से था? वो था चालुक्य राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था साक्षी मलिक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो जो हरियाणा के गांधी कहलाते हैं वह है मूलचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म खालिस्तान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, तो वह जीता था रुस्तम फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो वह है अनंगपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 49 है, खालिस्तान हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तो वह है पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरस चरित्र खालिस्तान ने लिखी थी, तो वह लिखी थी बाणभट्ट ने। 51वां क्वेश्चन है, यमुना नदी खालिस्तान जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वह करती है यमुनानगर से। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो वह है पंचकुला में। यदि सबसे कम पूछा जाए तो वह है फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 54 है, मारुति कार निर्माण कारखाना खालिस्तान में स्थित है? तो वह स्थित है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा मंजी साहिब खालिस्तान में स्थित है, तो वह कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वह है मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की संस्थान यानी कि NIT खालिस्तान में स्थित है, तो वह है कुरुक्षेत्र में। 58वां क्वेश्चन है, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है? तो जो देश का कुल भूमि क्षेत्रफल है उसमें 1.34% हिस्सा हरियाणा का है। नेक्स्ट है, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, तो तीन तरफ से है वो दिल्ली से घिरा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणदीप हुड्डा एक खालिस्तान है तो वह है अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 61 है, खालिस्तान नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा निर्धारित करती है तो वह करती है यमुना नदी। 62वां क्वेश्चन है, हरियाणा की खालिस्तान के अनुसार हरियाणा एक उद्धव आर्यन से हुआ है तो जो हरियाणा का उद्गम है वो आर्याना से हुआ है, तो वो किसके अनुसार हुआ है, वो डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट है, अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो अप्रैल माह में इनमें से यदि हम बात करें तो वो मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। लोहड़ी है वो जनवरी में मनाया जाता है और इसके अलावा गुगनवमी है वो जुलाई या अगस्त के आसपास मनाया जाता है, तो जो यदि हम बात करें अप्रैल के बाद वो बैसाखी त्यौहार है। नेक्स्ट है, खालिस्तान वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है तो वह है सांग। नेक्स्ट है, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है तो वह है रोहतक में। तो दोस्तों ये था तीसरा मॉक टेस्ट, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं, उसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन निकालेंगे और वही पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और इस क्लास को देखते रहें। दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम देखने वाले हैं एडवर्टाइज नंबर 6/2016 कैटेगरी नंबर 37 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सोयल कन्वर्सेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम है जिसके हरियाणा जीके के क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी तो वह लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख किया गया है तो वह किया गया है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी तो वह की थी पांडवों ने। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है तो वह है कैथल में। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने रुस्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था तो वह जीता था अक्षय कुमार। यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है तो वह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा पदक जीता था तो वह जीता था कांस्य पदक। 48वां क्वेश्चन है, ट्रेन की आवृत्ति के मामले में खालिस्तान हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है तो वो अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन है, वो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, रघुवंश और कुमार संभव खालिस्तान की कृतियाँ तो वह किसकी है, वह कालिदास की कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम भी प्रदान किया गया है तो वह किया गया है हरियाणा केसरी। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, युद्ध चरित खालिस्तान द्वारा लिखी गई है तो वह लिखी गई है खुशीराम शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, खालिस्तान ने भिवानी की एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश प्रकाशित की थी तो वह की थी नेकीराम शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है तो जो सबसे कम है वो फतेहाबाद में। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था सबसे ज़्यादा किस में थे, पंचकुला में थे और सबसे कम है वो फतेहाबाद में।
क्वेश्चन नंबर 54 है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है। तो कपास व्यापार का केंद्र की बात की जाए तो वह है पलवल, और सबसे ज़्यादा कपास पूछी जाए तो वह होती है सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा राज्य चार मंडलों में बंटा है, निम्नलिखित कौन सा मंडल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, जो हरियाणा राज्य है वो 6 मंडलों में बंटा हुआ है, और इसमें से यदि हम बात करें, चार के अनुसार बात करें, तो करनाल है वो नहीं था, लेकिन पहले जो रोहतक, हिसार और गुरुग्राम ये पहले से ही है, और जो करनाल और फरीदाबाद है वो नए मंडल बने हैं। तो कुल मिला के अभी हरियाणा में मंडलों की संख्या वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है। तो वो सबको पता है, मारुति कंपनी है, वो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, रोहतक में शौरी बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। तो कौन सा, किस चीज़ का बाज़ार है जो शौरी बाज़ार है वो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का बाज़ार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बुनकरों का नगर कहलाता है। तो वह कहलाता है पानीपत। क्वेश्चन नंबर 60 है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो वह की गई थी राजा करण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से है। तो वो कहाँ से है, वह है अम्बाला से। क्वेश्चन नंबर 62 है, खालिस्तान ज़िला छोटी काशी कहलाता है। तो जो छोटी काशी कहलाता है वह है कैथल। क्वेश्चन नंबर 63 है, लोहड़ी त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो डफ नृत्य होता है, वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो वह कहाँ है, थानेसर में। क्वेश्चन नंबर 66 है, मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान किससे होती है। तो वह होती है धारण से। तो दोस्तों ये था मॉक टेस्ट नंबर 4, जो HSC के पुराने प्रीवियस ईयर के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसमें से चौथा मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है हरियाणा GK का। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें।